ये हमारा गैस गीजर है जो गैस से चलता है, इलेक्ट्रिकल से नहीं चलता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि, और ये हमारा गैस कंट्रोलर है जो गैस को कंट्रोल करता है, कम और ज़्यादा करता है, ये मिनिमम और मैक्स पे काम करता है, ये पहला ऑप्शन। और जो हमारा ये देख रहे हैं वाटर कंट्रोलर, ये भी मैक्स कितना आपको पानी चाहिए उतना काम करता है, इस प्रकार से ये पानी को ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ये तीसरा वाला पॉइंट जो बीच में है, ये ठंड में चलाना चाहते हैं या फिर गर्मी में चलाते हैं, ये इसके लिए होता है। तो हमारी आप तीनों फंक्शन के मैंने बता दिया है कि किस प्रकार से ये होते हैं। और आप जब नीचे देखेंगे तो ये हमारे तीन फंक्शन यहाँ पर भी हैं। जो पहला वाला होता है ये हमारा गैस का होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, आने वाली वीडियो सबसे पहले पाएं। आप यहाँ से पानी जाएगा और ये बीच वाले में से गर्म पानी ये निकलेगा। देख रहे हैं कि इस प्रकार से इस पर लिखा भी होता है वो हॉट वाटर। और ये पहला फंक्शन, ये जो इसके अंदर होता है पानी, इसके अंदर से जाता है तो इसके अंदर कचरा जम जाता है जिसके कारण ये ऑन नहीं होता है। तो पहला फॉल्ट ये यहाँ पे आता है। आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। आप सेल भी नया डाल देते हैं लेकिन इसके अंदर जो कचरा होता है उसको, कचरे की वजह से ये पानी पास नहीं हो पाता और ये सेंस नहीं कर पाता है, गैस को पता नहीं चलता है कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये ऑन नहीं कर पाता। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर कचरा नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि इसको आप सफाई करके इसको लगा सकते हैं, लेकिन हमने ये क्लियर कर दिया है तब भी ये ऑन नहीं हुआ है। और आप देख रहे हैं कि ये आउटलेट है, यहाँ से पानी ये निकलता है। और हमारा ये जो स्विच है रेड कलर का, आप देख रहे हैं ये हमारा ऑन ऑफ होता है। इसको जब हम ऑन करेंगे तो ये चटर पटर की आवाज़ आएगी, लेकिन इसमें कोई भी आवाज़ नहीं है। और हमारा ये सेल बॉक्स है, सेल आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से लगे हैं, प्लस माइनस में आपको लगे होने चाहिए। सेल बिल्कुल नए होने चाहिए जब आप इसको चेक करें तो, और हमने सेल नया डाल दिया लेकिन तब भी ये चटर पटर की आवाज़ नहीं हो रहा है। और हमने इसको उल्टा कर रखा है, ये उल्टे पे ही चलता है, जब उसमें पानी ना डालें और ऐसे चेक करना चाहें तो इसे उल्टा करना पड़ेगा। और आप इस प्रकार से ये जो लॉक है इसको यहाँ से हम निकालेंगे, और आप देख रहे हैं कि इसके नीचे बिल्कुल कोई भी कार्बन नहीं है। कुछ ऐसा होता है कि सेल के अंदर जो होता है वो कार्बन जम जाता है जिसके कारण ये ऑन नहीं होता है। पहला नंबर कचड़े से है, दूसरा नंबर ये सेल की प्रॉब्लम होती है, लेकिन हमने यहाँ सेल भी नया डाल दिया है, जो इसका बॉक्स है ये भी ओके है, तो हमारा यहाँ से ये फॉल्ट नहीं है। यहाँ सब कुछ सही है लेकिन ये फिर भी चटर पटर नहीं कर रहा है। और आप देख रहे हैं 3 वोल्ट का ये हमारा सेल होता है, और इसको हम देखेंगे कि यहाँ ये कहाँ से फॉल्ट हुआ। और आपको इस प्रकार से सेल लगाना है प्लस माइनस में, जहाँ आप रिमोट में लगाते हैं। और आप देख रहे हैं इसके नक्के में लिखा भी है, प्लस माइनस का साइन बना होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, और आपको यहाँ से ये लॉक कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ से ये ऑन ऑफ भी है, इसका जो यहाँ से चालू होता है ये भी सही है, तभी ये चटर पटर की आवाज़ नहीं है। तो हम इसे खोलेंगे और बताएंगे कि ये कहाँ से ये प्रॉब्लम हो रहा है। और ये देखो हमने इसे उल्टा कर दिया है और इसको हमने ऑन कर रखा, लेकिन यहाँ पे कोई भी चटर पटर की आवाज़ नहीं है। इस प्रकार से आपको भी चेक करना है, सेल भी इसके अंदर नए हैं, हर चीज़ सही है बाहर की, लेकिन तब ये चटर पटर की आवाज़ नहीं आ रहा है। और हम ये तीनों नॉब को इस प्रकार से खोलेंगे, और आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ा टाइट होता है, आपको इस प्रकार से खींच के खोलना है। और ये हमारा ये भी नट हम खोल, ये भी हम स्विच खोल देंगे, ये थोड़ा टाइट होता है, और हम इसको इस प्रकार से खोल देंगे। खोलने के बाद ये हमारे साइड में पेच होते हैं, इन पेच को आपको खोलना है। तो मैंने पेच पहले से खोल रखा है, पेच में जंग लगा हुआ था तो हमने इसे खोल दिया है। और आप जब इसे खोलेंगे तो आपके इसके अंदर बहुत से फंक्शन नज़र आएंगे, इस प्रकार से आपको इसको देखना है। हम आपको बताएंगे इसको कैसे रिपेयर करते हैं। तो ये हमारा ये स्विच है, स्विच बिल्कुल तार लगे हुए हैं, कहीं से ये टूटा नहीं है। और ये स्विच के 2 पॉइंट होते हैं, ये सीरीज में काम करते हैं। और आप देख रहे हैं कि ये स्विच, ये जो सीरीज और ये थर्मोस्टेट का और ये हमारा जो स्विच है इस प्रकार से कंट्रोल करता है। और इसकी ये हमारा जो जैक टू जैक होता है सारा कुछ। तो सबसे पहले हम ये आगे वाला जो ये 2 वायर जा रहा है, हम इसको यहाँ से निकालेंगे और इसे एक बार डायरेक्ट चेक करेंगे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं पेचकस से और देखते हैं कि ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम इसको यहाँ से शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी चटर पटर की आवाज़ नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा फॉल्ट कहीं और से है। इसको हम देखेंगे, और आप देख रहे हैं कि हमारी एलईडी चलने रही है, तो एलईडी को हमने निकाल दिया है। और इसको यहाँ तक कि हम एक बार उल्टा करके भी देख लेते हैं कि क्या पता ये चल जाए, लेकिन ये उल्टा करने पे भी नहीं चल रहा है। और हमने ये शॉर्ट कर रखा है, कोई भी मूवमेंट नहीं शो कर रहा है, चटर पटर की आवाज़ नहीं आ रहा है। और आप देख रहे हैं जो सेल है, सेल में जो पॉइंट लगे होते हैं प्लस माइनस, ये लगे होने चाहिए सही से, कार्बन नहीं आना चाहिए। और आप यहाँ से क्लैंप मीटर से भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर ये सप्लाई बना रहा है कि नहीं बना रहा है, कितने वोल्ट ये बना रहा है। और आप देख रहे हैं हमने ये एलईडी निकाल दिया है, और ये हमारा स्विच का तार है, और ये आप देख रहे हैं ये ब्लैक से तार हैं, ये हमारा सेंसर होता है कि हमारा ये वाटर इसके अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तब ये गैस को ऑन करता है।
और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये तीन पॉइंट लगे हुए हैं, इसके अंदर एक सेंसर है और दो लाइटर हैं जो चटर पटर के आवाज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसको खोलने के लिए हम ये पत्ती को यहाँ से खोलेंगे। तो ये आप देख रहे हैं दो नट हैं, इन दो नट को खोलना है इस प्रकार से। ये हम खोल रहे हैं और ये पत्ती हम आप देख रहे हैं खुल चुका है। और आप देख रहे हैं कि ये एक इसके ऊपर भी एक ये छोटे छोटे पत्ती लगी हैं, इसको आपको खोलना है तब जाके ये खुलेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसको खोलना है और इसको भी ऐसे ही खोलना है और आपको इस प्रकार से लगाने भी हैं जिस जैसे जैसे आप खोलेंगे। और आप देख रहे हैं कि हमने ये खोल दिया। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि तीन नोब आगे से निकला हुआ है, दो छोटे छोटे हैं और एक बड़ा बड़ा है। और आप देख रहे हैं इन तीनों नोब में ये सबसे ये जो छोटे छोटे जो बीच वाला आप देख रहे हैं बड़ा सा है, ये जो छोटे से अलग हमने पकड़ा, ये जो ये बड़ा वाला है ये हमारा सेंसर का काम करता है और ये जो हमारा ये टॉर्च के काम करता है। जो बड़ा सा ये छोटे छोटे देख रहे हैं नोब है, ये दोनों हमने साथ पकड़ रखा और एक हमने जो बड़ा नोब है ये अलग पकड़ रखा है, वो हमारा सेंसर का काम करता है। और ये हमारा जो आप देख रहे हैं ये सर्किट है, जो सेल यहाँ पे पावर जाता है तो ये चटर पटर में ये कन्वर्ट करता है। तो हम इसको ही चेंज करेंगे क्योंकि जो ये फॉल्ट बनता है ये यहीं से ही बनता है। और आप देखेंगे कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये हमारा सब कुछ हमने चेंज करने के बाद हमने ये लास्ट डिसीजन इस पे लिया है कि ये चटर पटर का आवाज़ नहीं बना रहा है। तो आपको इस पर इसको चेंज करना है तो हम इसको सारा जैक टू जैक खोलेंगे और जैक टू जैक ही लगाएंगे। आपको इस चीज़ को ध्यान देना है कि जैसे जैसे आप खोलें वैसे ऐसे इसको लगा दें। और लगाने का तरीका बहुत ही ईजी है और इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत बातें जो जानने वाली हैं उसको आपको मैं बता दूंगा कि इसमें क्या चीज़ ज़्यादा खास बात है। और आप देख रहे हैं ये कॉयल में तीन दार वायर लगे होते हैं, तीन आपको इधर ही मिलेगा, तीन उस जैक के साइड में मिलेगा। तो ये प्रकार से हमारा ये सर्किट हमारा खुल चुका है। और ये देख रहे हैं हमारा एलईडी का फंक्शन है, पहला जो तार अलग से निकाला था। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमने दूसरा तार पकड़ा ये ब्लैक ब्लैक, ये हमारे थर्मोस्टेट का है, ये जो यहाँ लगता है। और ये हमारे जो तीन वायर है, तीन वायर से ये तीन वायर वाला जैक है ये इसमें लगेगा और किसी में नहीं लगेगा। और उसके बाद हमारा ये देख रहे हो कि जो हमारा ये हमारा है सेंसर का काम करता है, ये सेंसर का इसमें लगेगा जो ब्लैक ब्लैक में होते हैं, इसमें कोई प्लस माइनस का साइन नहीं होता, आप इसको कैसे भी लगा सकते हैं। और ये हमारा जो सिंगल तार होता है ये हमारा बॉडी पे लग जाता है, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, ये यहाँ पे ये लगा होता है। तो हम इसको भी खोलेंगे, लास्ट जो हमारा वायर बचा था सिंगल वाला। और ये हमारा ये सारा चीज़ हम सारा हमारा खुल चुका है। और ये हमारा आप देख रहे हैं जो हमारे सेल बॉक्स है, सेल बॉक्स में प्लस माइनस का तार होता है, इसको भी हम यहाँ से खींच कर निकाल लेंगे। तो ये हमारा जो ये सर्किट है सप्लाई चटर पटर करने वाली, ये हम इसको पूरा निकाल चुके हैं। आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपको निकालना है। ये हमारा प्लस माइनस का है जो हमारा सेल पे जाता है। और ये हमारा एलईडी का है दूसरा पॉइंट। और ये हमारा आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो सिंगल तार है ये हमारा बॉडी पे जाता है और ये जो हमारे ब्लैक ब्लैक है ये हमारे थर्मोस्टेट पे जाएगा। और उसके बाद ये आप देख रहे हैं लास्ट जो बचा हुआ है ये तीन से तीन तार ये हमारा इसमें चला जाएगा, ये हमारा जो कॉइल होता है। और ये हमारा जो ये ब्लैक ब्लैक है जो तार है हमारा सेंसर सेंसर में ही लगता है। और आप देख रहे हैं कि ये सर्किट हमने पूरा निकाल चुके हैं। और सर्किट निकालने के लिए ये जो पीछे इसका एक नट लगा होता है इसको खोलना है इस प्रकार से। और ध्यान दें आप जैसे जैसे इसको खोलना है वैसे ऐसे आपको लगाना भी है। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ एक लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। आप लोग एक लाइक कर देते हैं तो हम वीडियो और बनाने में आपको हमें अच्छा लगता है। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान दें। और आप देख रहे हैं कि ये जो सर्किट है ये हमारा प्लेट में लगा हुआ है, तो प्लेट के हमें नट को खोलेंगे तो ये हमारा सर्किट ये बाहर आ जाएगा। जैक टू जैक ही लगेगा, कोई भी जैक किसी जैक में नहीं लग पाएगा। और आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा पुराना वाला था इसके अंदर ये इतने सारे होते हैं कि आप इसे रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सील्ड होते हैं सारे फंक्शन, ये पूरा सील्ड होता है, इसे आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये नया ही परचेज करना पड़ेगा। आपको हमने इसे खोल के अंदर दिखा दिया है कि इसके अंदर क्या होता है। और आप देख रहे हैं कि हमारा ये नया पीस है, बिल्कुल सेम बिल्कुल सही होता है ये, जैसे जैसे सब पिछला सप्लाई थी ऐसे ही ये नई वाली सप्लाई भी है। और आप देख रहे हैं कि सारा कुछ इसके अंदर बिल्कुल नया है। और आपको इसको पत्ती में इस प्रकार से फंसाना है और जहाँ जहाँ से आपने इसको निकाला था वैसे ही जैक टू जैक लगाना है, क्योंकि ये जैक टू जैक ही लगेगा। ये किसी भी जैक में या किसी जैक में आप लगाने की कोशिश करो उसमें नहीं लगेगा, जहाँ जोन सा जैक जहाँ फिट बैठेगा वो वहीं पर लगेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, बस थोड़ा आपको सेल में थोड़ा सा देखना है कि सेल में भी प्लस माइनस का निशान बना होगा और आपको जो तार है वो भी लाल और काला वाला बनेगा, तो उसको लाल लाल में और काला काला में लगाना है। जो काला वाला तार होता है वो हमारा माइनस का होता है, जो रेड वाला होता है वो हमारा प्लस का होता है। तो आपको इस प्रकार इसको ध्यान देना है, वो बस वही एक ध्यान देने वाली चीज़ है। और आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से आपको इन नया पीस इसको जैसे हमने निकाला था जैसे इसको यहाँ पीछे से पेच कस देंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही से फिट बैठ जाएगा। आपको इस प्रकार से इसको लगाना है।
और आप देख रहे हैं हमने इसको सारा जैक टू जैक लगा दिया है, जो लाल काला था ये सुनने यहाँ लगा दिया है। और ये जो हमारा आप देख रहे हैं तीन वायर यहाँ पे भी थी और तीन वायर इसके अंदर भी था, ये हमने यहाँ पे जैक लगा दिया तीन तीन का तार। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये हमारी जो ये जैक है ये हमारा दो तार का है जैक है, इसको हम जो दूसरा वाला जो जैक है इसमें हम फिट कर देंगे। ये जो जैक है इसको हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और देखेंगे कि ये चटर पटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देख रहे हैं कि हमारा ये चटर पटर यहाँ पे चिंगारी आ रहा है, तो ये हमारा यहाँ से ये शॉर्ट करा था हमने, पहले शॉर्ट किया तो नहीं चला था, ये हमने शॉर्ट करके देख रहे हैं तो ये हमारा चल गया है। तो ऐसे ही आपको इसकी वायरिंग करनी है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इस प्रकार से आपको सप्लाई फिट कर देना है, आपका गैस गीजर ये चलने लगेगा।